मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मूड में नजर आए। भ्रष्टाचार की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत जीरोन के तत्कालीन सीएमओ उमा शंकर मिश्रा व उपयंत्री अभिषेक राजपूत को न केवल सस्पेंड किया बल्कि उनके कार्यकाल की ईओडब्ल्यू से जांच कराने के आदेश भी दे दिए। उसके बाद जैसे ही उनकी जनदर्शन यात्रा पृथ्वीपुर पहुंची तो वहां लोगों ने स्थानीय तहसीलदार अनिल तलैया पर तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने मंच से तहसीलदार को सस्पेंड करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार सुबह निवाड़ी जिले के ओरछा पहुंचे थे। भगवान राम राजा के दर्शन करने के बाद वह टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ गांव की आम सभा को संबोधित करने के बाद जन दर्शन यात्रा लेकर निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के लिए रवाना हुए। इसी बीच रास्ते में पड़ने वाली नगर पंचायत जेरून में एक आम सभा को संबोधित किया। यहां नगर के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास में नगर पंचायत सीएमओ व उपयंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस पर कार्यवाही करते हुए मुख्यमंत्री ने मंच से ही तत्कालीन सीएमओ उमा शंकर मिश्रा व उपयंत्री अभिषेक राजपूत को सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद उनकी जन दर्शन यात्रा पृथ्वीपुर कस्बे में पहुंची। यहां लोगों की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय तहसीलदार अनिल तलैया को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर पंचायत पृथ्वीपुर के पीएम आवास योजना में हुई अनियमितताओं की जाँच कराने के निर्देश दिए। बेईमानी हुई है ये मुझे पता चला। लोगों से पैसे वसूले गए और ये भी पता चला है कि हेरा फेरी भी बहुत हुई है। जो गरीब है उनके नाम ही उड़ा दिए और जो नहीं थे उनके जो गए। बड़े बड़े गरीब हो गए। एक और झंडा नहीं चलने दूंगा। पृथ्वीपुर नगर पंचायत की पूरी जांच होगी। यहाँ के उपयंत्रियों की करो, यहाँ के सीएमओ जो रहे उनकी करो, यहाँ के अधिकारियों से बात करो और जो भी पकड़ा जाएगा वो बच्चे का नहीं, चिंता मत करना।